हेलो माई डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज अंकित शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द प्राइम स्किल्स वन असान सो दिस इज लेक्चर एट इससे पहले हम सेवन से अपने कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस लेक्चर एट इज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड नोट टेकिंग सो टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ एक्जैक्टली टू टेक नोट्स और राधर आई शुड से द प्रॉपर नोट्स इन ऑर्डर टू लिसन पर But before that, if you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos, whichever I am posting out there. And believe me, I keep on posting a lot many videos related to your personality development, your communication skills, your software skills, your vocabulary. It means its overall package, this channel is actually going to help you out in becoming a very, very good communicator. So, if you really want to become one, make sure that you hit the bell icon and subscribe the channel. And also, if you like the video, make sure to share it with your colleagues and with your uh, friends. Okay, so without much ado, let's go ahead and start with our today's session. So, our today's session is all about listening and note taking. और जैसा कि आप लोगों को पता है दिस इज लेक्चर एट इससे पहले हम सेवन सेशंस अपने कंप्लीट कर चुके हैं सो माय रिक्वेस्ट इज इफ यू हैव नॉट वॉच्ड ऑल दोज सेशंस, मेक श्योर यू वॉच देम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन कम हियर सो दैट यू कैन एक्चुअली रिलेट द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दिस इज बी एस वन जीरो फाइव टू जीरो फाइव एकेटीयू का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है न्यू सिलेबस है जो कि नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में रिलीज हुआ था एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिसबस टू बंप्लीटेड बाय थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी सोफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल मेक श्योर की आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें एंड If you have any doubt or anything related to, you know, any query related to this subject, make sure that you are connecting with me through WhatsApp, Telegram, comment box or whatever you feel like. Okay, so let's go ahead and start talking about the topic. So the topic is listening and note taking, right? शुरुआत करते हैं बच्चों, listening and note taking की. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि listening and note taking का ये टॉपिक है क्यों? देखिए बच्चों, एक बात समझने की बहुत जरूरी है कि लिसनिंग स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन लेकिन लिसनिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास उस मटेरियल को रिव्यू करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए तो अगर आप किसी भी मटेरियल को रिव्यू करना चाहते हैं जिसको कि आपने सुना है उसके लिए आपको नोट लेना यानी नोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नोट टेकिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास कोई रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं होगा रिवाइज नहीं करेंगे तो लिसनिंग का कोई बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कैन नॉट बी बीटैब्लिश इन वेरी फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग टेक्स अ लॉट मेनी रेपिटेशन ओके सो हम नोट टेकिंग के बारे में बात करेंगे अनबिलीव

वेरी मच फिबल फॉर रिविजन एंड ऑल्सो वेरी मच एफिशियंट तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर के एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने ये ना केवल आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है ये आपको रियल लाइफ में नोट्स को कैसे बनाया जाता है जिनको कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें उनके बारे में भी आपको बताएगा ओके सो लेट्स को टेकिंग इफेक्टिव नोट्स इन अक्चर एंड ट्यूटोरियल इज एन एसेंशियल स्किल फॉर स्टडी ये सबको पता है कि अगर आप एक बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो नोट टेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल गुड नोट टेकिंग अलाउज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ की इंफॉर्मेशन दैट यू कैन इंटीग्रेट विद यर ओन राइटिंग एंड यूज फॉर रिविजन अच्छे नोट्स अगर आप बनाएंगे तो आप रिविजन बहुत आसानी से कर सकते हैं विदाउट रिविजन आप किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर नहीं कर सकते ये बात आप सभी लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि रिविजन इज द की रेपिटेशन इज द की फॉर एनी सक्सेसफुल पर्सन किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को uh, की बायोग्राफी या उसके थॉट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा उसकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा एंड देन यू विल फाइंड दट रेपिटेशन वॉज द ओनली मैथड विच वॉज बिहाइंड taking reliable accurate notes also reduces the risk of plagiarizing it helps you distinguishing where your ideas come from and how and what you think about those ideas now plagiarism is something when you are copying somebody's original ideas and making them your own सो प्लैगरिज्म इज नॉट कंसिडर टू बी एथिकली राइट जब आप किसी के आइडियाज को कॉपी कर रहे हैं तो आपको उसको क्रेडिट देना चाहिए और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्रेडिट देने के बाद भी आप एज इट इज उसके आइडियाज को कॉपी करके अपने आइडियाज की तरह क्लेम नहीं कर सकते तो अगर आप नोट टेकिंग करते हैं या फिर नोट्स लेते हैं तो आपको यह पता होगा कि आपके एक्चुअल आइडियाज या जिन आइडियाज के ऊपर आप बिल्डअप करना चाहते हैं वो आइडियाज कहां से आए थे एंड देन यू कैन एक्चुअली फॉर्म न्यू आइडियाज बेस्ड ऑन दम ओके सो प्लेगरिज्म से बचने के लिए भी यू कैन यूज नोट्स और नोट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट Why should we take notes while listening? हम जब लिसनिंग करते हैं या एक्टिव लिसनर बनने की कोशिश करते हैं तो उस समय नोट क्यों लेने चाहिए कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि सर अगर हम लिसनिंग uh, करते हुए या फिर समझते हुए नोट्स लेंगे तो फिर हम समझेंगे कैसे लेकिन बच्चों ये बात समझनी बहुत जरूरी है यहां पे आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और अगर आप नोट टेकिंग करते हैं कुछ लोगों को लगता है कि नोट टेकिंग का मतलब है वर्ड टू वर्ड सारा कुछ लिखना बट ऐसा नहीं होता है अगर आपको पता है कि एक्चुअल में रियल नोट्स या फिर एफिशियंट नोट्स कैसे लिए जाते हैं देन बिलीव मी दैट नोट टेकिंग विल नेवर हैम्पर योर अंडरस्टैंडिंग और

राइटिंग नोट्स हेल्प यू रिमेंबर वॉट यू हर्ड जो भी आपने सुना है कभी कभी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है की फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो अगर आप उनको नोट नहीं करेंगे एंड ऑफ द सेशन इट विल बी आउट ऑफ योर माइंड ओके टेकिंग नोट्स हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन इफेक्टिवली जब आप कोई चीज नोट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यह दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है ये मुझे याद रखना पड़ेगा जब आप नोट नहीं करते हैं तो आप अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं अपने माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि भाई मुझे ये याद रखना पड़ेगा कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं लेकिन अगर आप उसको नोट कर लेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से उससे हट जाएगा एंड देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द पर्सन हु इज स्पीकिंग यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द लिसनिंग इट सेलेक्टिंग वट टू नोट डाउन इंक्रीजेज योर अंडरस्टैंडिंग जब आपको यह पता होता है कि भाई देखिए ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अगर कोई व्यक्ति एक घंटे बोल रहा है तो एक घंटे में उसने कम से कम कम से कम 10 से 12 पेजेस का मटेरियल बोला होगा या कंटेंट बोला होगा आप 10 टू 12 पेजेस नहीं लिख सकते तो आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज द की और क्रूशियल इंफॉर्मेशन और की और क्रूशियल इंफॉर्मेशन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो राइट तो अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है क्योंकि आपको की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है जो कि आप लिख पाए तो वो केवल तभी होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे इंप्रूव होगी तो नोट टेकिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है नोट्स क्रिएट अ रिसोर्स फॉर असेसमेंट प्रेपरेशन आप अगर अपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली आपको पता है कि नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स टेकन इन क्लास ओफन कंटेंट इंफॉर्मेशन दैट कांट बी फाउंड एल्सवेर समाइम्स व्हाट हैपेंस जब भी कभी आप किसी लेक्चर में होते हैं एक टीचर या एक प्रोफेसर जो होता है वो बहुत सारी बुक्स बहुत सारे रिसोर्सेस को कंसल्ट करके आपको पढ़ाता है तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन वो देगा पॉसिबली वो इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढने से भी कहीं हैव अ गुड रिसोर यू फील लाइक इन ऑर्डर टू रिवाइज एंड रिव्यू योर कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से अगर आपने दस बुक्स पढ़ के कोई नोट्स बनाए हैं तो जब भी आप रिवाइज करना चाहेंगे तो कौन सा ईजी मैथड दस बुक्स को दोबारा से पढ़ना या फिर अपने नोट्स को पढ़ना आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम से राइट लिसनिंग नोट टेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट अब कभी कभी क्वेश्चन ये उठता है कि भाई सर हम तो जो है केवल लिसनिंग हम समझना चाहते हैं है, हमें लिखने से कोई मतलब नहीं है और वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि लिसनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोट टेकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले इंपॉर्टेंट बात समझ तो समझ लीजिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इस चीज को थोड़ा सा डिबेट करने की इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करने की

जब कभी कोई प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी लेक्चर स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाता है तो पहले यह आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या वो लेक्चर स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर वो लेक्चर स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाएंगी देन राइट डाउन ओनली द कीवर्ड्स। नथिंग मोर देन दैट कॉपीज मत कीजिए मतलब स्लाइड्स को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा कॉपी करने में रहेगा और मिस कर जाएंगे अगर आपको स्लाइड्स नहीं दी जाने वाली है स्क्रीन शॉट ऑल्सो यू कैन राइट डाउन द की वर्ड्स विच आर रिटन ओवर बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट इन अर्टकट वे वो शॉर्टकट वे क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है on the slides is usually very limited compared to what the lecture says, so it's more effective to listen

लेसन देख रहे हो लेक्चर देख रहे हो स्पिरिचुअल सेशन देख रहे हो कुछ भी वट एक्टिविटी तो ये एक जनरल डिस्कशन uh, हम कर रहे हैं नोट टेकिंग केवल क्लासरूम तक ही आपकी लिमिटेड नहीं होती जब आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वहां पे आपकी जो मीटिंग्स uh, होती हैं वहां पे भी आप नोट टेकिंग करते हैं आपकी रिपोर्ट्स डिस्कशन प्रेजेंटेशन होती हैं वहां पे भी आप नोट टेकिंग का फिनोमिना अप्लाई करते हैं तो ये नोट टेकिंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ध्यान से समझें तो बिफोर द लेक्चर या बिफोर द मीटिंग कुछ भी आप समझ लीजिए ड्यूरिंग द लेक्चर या मीटिंग और आफ्टर द लेक्चर या मीटिंग हम यहाँ पे लेक्चर ही कंसिडर करेंगे आप इसको किसी इवेंट में इवेंट में लगा सकते हैं ठीक है तो हम बेसिकली तीन फेजेस में इसको डिस्कस करेंगे कि बिफोर द लेक्चर क्या होना चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर किस तरीके से आप इफेक्टिव नोट टेकिंग कर सकते हैं और आफ्टर द लेक्चर उन नोट्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाए जिससे कि आप इफेक्टिव नोट टेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए तो आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं नाउ बिफोर द लेक्चर द फर्स्ट स्टेप इज बी प्रिपेयर्ड वट इज द मीनिंग ऑफ बी बीपेयर्ड प्रेपरेशन बिफोर द लेक्चर प्रोवाइड द बैकग्राउंड नॉलेज यू नीड टू बी एन इफेक्टिव लिस्टर एंड एन इफेक्टिव स्टूडेंट आपको पता होता है जनरली कि कि आज हम कौन टॉपिक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आपको ये पता होता है कि इस इस है। इस so इस वर्कशॉप का का सेमिनार क्या तो उससे पहले उस टॉपिक के रिलेटेड कम कम कुछ क्वेश्चन से प्रिपेयर कर सकें एंड देन योर अंडरस्टैंडिंग विल बी मच बेटर एज कंपेयर टू वेन यू नथिंग ओके

इफ लेक्चर स्लाइड्स आर अवेलेबल बिफोर क्लास डाउनलोड दैम अगर लेक्चर स्लाइड्स पहले से अवेलेबल है उनको डाउनलोड कीजिए उनके ऊपर नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि की आप उन अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को और सप्लीमेंट कर सकें, वहां पे एस्ट्रिक uh, मार्क या फिर अलग अलग सिम्बल्स यूज करके आप वहां पर अपनी की इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर पाए रिव्यू नोट्स लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स है कि हर सेशन से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ पाने सेशन नहीं देखे हैं मेक श्योर की आपने सेशन को देखें क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप, आपस में इंटरलिंक्ट होते हैं और अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं मोर देर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड नॉट भी एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्प्टो मेक श्योर के आप पुराने जो सेशन है उनको जरूर समझें या उनको जरूर पढ़े सेटअप नोटबुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर नोट टेकिंग अपनी नोटबुक्स को हमेशा रेडी रखें कभी कभी एक्चुअल में क्या होता है नोट टेकिंग का एक बहुत अच्छा फिनोमिना होता है लाइक uh, like, अपनी नोटबुक को किस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए वो हम आने वाले सेशन आने वाले पेजेस में भी देखेंगे आने, आने वाले दो तीन मिनट में हम समझेंगे उसको तो अपनी नोटबुक को right? उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए राइट उसमें उसमें सेक्शनिंग कीजिए कि कहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना चाहते हैं कहां पे टर्मिनोलॉजी लिखना चाहते हैं कहां पे वोकैबुलरी लिखना चाहते हैं इफ यू ऑलरेडी प्रिपेयर विद योर नोटबुक्स देन ऑफकोर्स योर नोट टेकिंग विल बी मच मोर एफिशियंट अराइव ऑन टाइम एंड सिट नियर द फ्रंट इन ऑर्डर टू टेक गुड नोट्स यू नीड टू हेयर एंड सी क्लियरली हमेशा आगे की तरफ बैठने की कोशिश कीजिएगा हमेशा स्पीकर के पास बैठने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि आप बैरियर्स को रिड्यूस कर सकें, एनवायरमेंटल बैरियर्स को साउंड बैरियर्स को नॉइज बैरियर्स को जो भी बैरियर्स आपके होते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स को उन सबको रिड्यूज करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रंट रोम में या फ्रंट साइड में बैठने की कोशिश करें या फिर जहां पर भी स्पीकर है उसके पास बैठने की कोशिश करें एंड अराइव ऑन टाइम मेक श्योर की आप लेट ना हो क्योंकि अगर आप इनिशियल इन्फॉर्मेशन यानी जो सबसे स्टार्टिंग के इन्फॉर्मेशन को आप मिस कर देते हैं बिलीव मी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि आप पूरे के पूरे लेक्चर में बैठे रहेंगे लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने इनिशियल इन्फॉर्मेशन को मिस कर दिया था तो मेक श्योर sure कि आप लेक्चर से पहले इन सब चीजों में प्रिपेयर रहें ड्यूरिंग द लेक्चर अब हम बात करेंगे कि लेक्चर के दौरान आपको क्या करना चाहिए नंबर वन कॉन्सेंट्रेट एंड पे अटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट फॉर एक्टिव लिसनिंग

focus on the non-verbal cues also make sure that you are understanding or you are focusing on the non-verbal language or rather i should say the body language of the communicator or the speaker because most of the times the body language gives you the hidden message right so that is a hidden message can be interpreted only when you are focusing on the non-verbal cues नंबर टू डोंट राइट डाउन एवरीथिंग थिंग वट एवर इज सेट ये बात पहले भी हम बता चुके हैं कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो भी स्पीकर बोल रहा है वो हर चीज लिखने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट विच इज अटर्ड बाई बी अटर्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ स्पीकर नो नेवर बिकॉज इफ यूर इफ यूर जस्ट यू नो फोकसिंग ऑन राइटिंग डाउन ईच एंड एवरी थिंग अल्टीमेटली यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग हाई टाइम ऑन योर अंडरस्टैंडिंग सो प्लीज अंडरस्टैंड की आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें केवल की को नोट डाउन करें बी सिलेक्टिव यू डोंट हैव टू ट्रांसक्राइब द इंटायर लेक्चर आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं बनाना है लेक्चर का केवल सिलेक्टिव पोजिशन सिलेक्टिव की को ही आप चूज कीजिए जिनको आप लिखना चाहते हैं जो बैकवर्ड की तरह काम करें और जो आपको याद दिला दें कि इस वर्ड से रिलेटेड या इस वर्ड से रिलेटेड क्या डिस्कशन हो रहा था effective listening note taking involves recognizing key concepts and identifying the selecting what is relevant केवल relevant keywords कभी-कभी क्या होता है ना स्पीकर बीच में ह्यूमरस एक्टिविटीज भी करता है आपको एंगेज रखने के लिए आपको आपको जोक्स भी सुनाएंगे आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे आपको स्टोरीज भी सुनाएंगे अगर आप सब कुछ लिखेंगे तो फिर तो लाइक like, आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे राइट right? तो केवल कीवर्ड्स को लिखना इंपॉर्टेंट होता है लिसन फॉर द ओवरऑल आर्गुमेंट एंड नोट द मेन पॉइंट्स एंड की इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा लिखते रहना है जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड होती है उस पॉइंट पे लिखने की कोशिश कीजिए देन लिसन फॉर अनदर टेन फाइव टू टेन मिनट्स देन राइट डाउन देन लिसन फॉर अनदर फाइव टू टेन मिनट्स देन राइट डाउन दिस विल ऑलवेज गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू राइट ओनली द की वर्ड्स ओके नॉट द एंटायर इमेशन इफ यू कीप ऑन राइटिंग एवरी सिंगल मोमेंट अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ओके नाउ ड्यूरिंग द लेक्चर अगेन हाउ कैन आई री रिकग्नाइज वॉट इज इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे इन्फॉर्मेश आती है कि आपको कैसे पता लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है है ना कभी कभी बच्चे को लगता है कि सर हमें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है बट ध्यान रखिएगा कि अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है राइट तो कैसे पता लगेगा नंबर वन इंट्रोडक्टिव रिमार्क्स को देखिए जब आप किसी भी स्पीकर को सुनेंगे तो वो स्टार्टिंग में कुछ रिमार्क्स देगा कि मैं आज क्या बताने वाला हूँ तो वो की होते हैं

आप उसको नोट डाउन करें उस आइडिया को बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फोनोलॉजिकल क्यूज आपका वोकल एम्फेसिस होता है किसी चीज के ऊपर अगर एम्फेसाइज करके कोई स्पीकर बोल रहा है वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है किसी चीज को इलांगेट करके बोल रहा है किसी चीज में किसी चीज को बोलते हुए अगर स्पीड बहुत स्लो कर देता है तो ये कहलाते हैं आपके फोनोलॉजिकल क्यूज उन चीजों को ध्यान से सुनिए एंड देन फाइनल रिमार्क्स इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स की तरफ फाइनल रिमार्क्स यानी एंड में जब और, जब स्पीकर आपका यह बोलता है कि नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड दीज आर द कंक्लूसिव रिमार्क्स वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो मेक श्योर की आप उनको भी ध्यान से सुने तो या इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है नंबर थ्री लुक फॉर नॉन वर्बल क्यूज एंड विजुअल क्यूज नॉन वर्बल लैंग्वेज और विजुअल लैंग्वेज दोनों को समझना बहुत जरूरी होता है अगर आप इफेक्टिव नोट टेकिंग करना चाहते हैं बिकॉज समटाइम्स वर्ड्स विल नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर आइडिया वर्ड्स अंपेंड विद द नॉन वर्बल अ कंपेइंड मेटर कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट द एंटायर आइडिया ओके तो यहां पे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग और यहां पे कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग और यहां पे इंफॉर्मेटिव लिसनिंग यहां पे हर तरह की लिसनिंग का एक कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर स्ट्रेटेजी फॉर इफेक्टिव नोट टेकिंग नाउ ये जो स्लाइड है ये स्लाइड बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा भी जा सकता है कि वॉट आर द स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव नोट टेकिंग बट दीज स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक यू एबल टू प्रिपेयर गुड नोट और इफेक्टिव नोट मेक श्योर की आप इन चीजों को मैं बहुत जल्दी से कवर करने की कोशिश करूंगा मेक श्योर की आप इनको समझने की कोशिश करें राइट फ्रेज इज नॉट फुल सेंटेंसिस अब जब आप लिख रहे हैं या जब भी कभी आप नोट टेकिंग कर रहे हैं तो जो स्पीकर बोल रहा है उसके पूरे सेंटेंस को लिखने की कोशिश मत कीजिए केवल फ्रेजेस में लिखने की कोशिश कीजिए फ्रेजेस में लिखने का मतलब क्या है वहां पे द या फिर अ या फिर हेल्पिंग वर्ब इन तरह की चीजों को यूज मत कीजिए ठीक है ना तो फॉर uh, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई कोई भी एक स्टेटमेंट है जैसे ओनली रिकॉर्ड द की वर्ड दैट यू नीड टू गेट द आइडिया ऑफ पॉइंट तो यहां पर आप सीधे सीधे सिर्फ इतना लिख सकते हैं रिकॉर्ड वर्ड्स पहला पॉइंट ये फ्रेज हो गया दूसरा द आइडिया ऑफ द पॉइंट तो इसको सीधे आप ऐसे लिखिए आइडिया ऑफ द पॉइंट तो मतलब पूरा सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं है आप केवल फ्रेजेस में लिखिएगा छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिखिएगा नंबर टू टेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा जो ऑथर जो स्पीकर ने ऑथर ने बोला है अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात ऑथर की बात होगी जब आप सुन रहे हैं तो स्पीकर की बात होगी जो स्पीकर ने अपने शब्दों में बोला है उसकी जगह आप अपने वर्ड्स को यूज कीजिए इसका मतलब क्या है कि आप वहां पर पैराफ्रेज करने की कोशिश कीजिए पैराफ्रेज मतलब आप उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए जितना आप उसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको याद रहेगा स्ट्रक्चर योर नोट्स हेडिंग एंड नंबर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा हेडिंग्स बनाइए की पॉइंट्स बनाइए स्टार्स बनाइए डॉट्स बनाइए टिक्स बनाइए बॉक्सेस बनाइए वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज इट मीन आपको नंबर और लिस्ट यानी जितने पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं उतना ज्यादा आप लिखने की कोशिश कीजिएगा देन योर नोट्स योर नोट्स का मतलब आप जितने कलर यूज कर सकते हैं मार्क स्ट्रक्चर एम्फेसाइज जितना ज्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं हाईलाइट कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आप किसी को बॉक्स में बंद कर सकते हैं इट मीन्स आपके नोट्स जो है वो पूरी तरीके से एनोटेटेड होनी चाहिए ठीक है जितना ज्यादा एनिमेटेड आप उनको बनाएंगे नेक्स्ट इज यूज कलर्स टू हाईलाइट मेजर सेक्शन मेन पॉइंट्स एंड डायग्राम्स तो जितना ज्यादा आप कलर्स को यूज कर सकते हैं जहां पे और है, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है आप उसको किसी दूसरे कलर में हाईलाइट कीजिए अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन केवल वो के लिए है तो आप उसको दूसरे कलर से हाईलाइट कीजिए इट मीन से लाइक आप जितने ज्यादा कलर्स का यूज करेंगे उतने ज्यादा आपके नोट्स जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं लेकिन ये आपको वहां पे नहीं करना जिसमें आप सुन रहे हैं ये आपको बाद में करना होता है राइट तो जब आपने नोट्स बना लिए हैं तो उसके बाद आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं एक बार रिव्यू करते टाइम जब आप रिव्यू करेंगे तो उस समय आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं ठीक है ओके सो लेट्स गेट बैक टू आर कलर राइट एंड देन अंडरलाइन सर्कल स्टार जितना ज्यादा हो सके आप उनको अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिएगा सर्कल करने की कोशिश कीजिएगा स्टार करने की कोशिश कीजिएगा टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा वट एवर आई मीन लाइक द मोर यू डू इट द बेटर यूर नोट्स बिकम कोशिश ये मत कीजिएगा कि मेरे नोट्स बहुत सुंदर देखने चाहिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे नोट्स पे जो लिखा है वो मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और जैसे ही मुझे देखना हो कि भाई मैं केवल स्टार पॉइंट्स को रिवाइज करना चाहता हूं तो मैं केवल स्टार वाले पॉइंट्स को ही रिवाइज करूंगा सर्कल वाले पॉइंट लेकिन सबका मीनिंग होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप रैंडमली यूज कर रहे हैं स्टार कहां पे यूज करेंगे आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर्कल कहां पे यूज करेंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ठीक है ना तो वो चीज आपके कोड खुद के कोड होने चाहिए वो। आप खुद से कोड डेवलप करें। इफ यू मिस समिंग राइट डाउन की वर्ड स्किप अ फ्यू स्पेसिस इन गेट द इन्फॉर्मेशन लेटर बीच बीच में जगह छोड़ के चलिए जिससे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख सकें तो सबसे सही तरीका तो ये होता है कि अगर आपके पास ये पेज है तो इस पेज में हम लेफ्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पे हम अपने की वर्ड लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे उनका एक्सप्लेनेशन और यहाँ पे हम इस समरी के लिए एक पॉइंट छोड़ देते हैं तो ये वाला जो स्पेस होता है दिस स्पेस विल गिव यू द फ्री स्पेस जहां पे आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एड कर सकते हैं इसको मार्जिन भी बोला जाता है ठीक है सिंबल्स एंड एब्रीविएशन फॉर फ्रीकवेंटली यूज वर्ड फ्रेजेज ने फॉर नोट टेकिंग लेक्चर एंड स्पीड इज असेंशियल जब स्पीड असेंशियल हो जब कोई सामने वाला स्पीकर बहुत तेजी से बहुत सारे इनफॉर्मेशन डिलिव कर रहा हो तो उस मूमेंट पे आपको कुछ सिंबल्स एब्रीविए यूज करने चाहिए कैसे सिंबल्स एब्रीविएशन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एटसेट्रा के लिए ईटीसी यूज कीजिए एग्जाम्पल के लिए ईजी यूज कीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो यूज कीजिए दैट इज के लिए आई ई यूज कीजिए नोट वेल्व इंपॉर्टेंट के लिए एनबी यूज कीजिए पी पेज के लिए पैराग्राफ के लिए चैप्टर सी एच नंबर के लिए एनओ NO, मतलब आप ये जनरली आप यूज करते ही राइट right? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसी तरीके से डिसिप्लिन स्पेसिफिक ए फॉर अल्फा बी फोर बीटा यूज कर सकते हैं गोल्ड के लिए हम एयू यूज करते हैं मैग्नीशियम के लिए हम एम जी यूज करते हैं ये आपको पता ही है केमिस्ट्री के सिंबल्स हैं इसी तरीके से पर्सनल आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं जैसे कि गवर्नमेंट के लिए आप जीओवी यूज कर सकते हैं नेसेसरी के लिए एनईसी यूज कर सकते हैं ये आपके नोट्स हैं आप अपने हिसाब से कोड यूज कर सकते हैं एंड देन फाइनली एक्रेनियम्स आप यूज कीजिएगा एबीसी Laser, जो भी तो आप उनको भी वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इक्वल के लिए नॉट इक्वल इक्वलेंट इस देयर फोर बिक राइट अगर कोई चीज किसी से बड़ी है तो आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं मतलब लाइक दीज आर सिंबल्स विच यू कैन एक्चुअली यूज जितना ज्यादा आप सिंबल यूज करेंगे उतना आसानी से आप

बनाते हैं फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं तो ये आपका कहलाता है बच्चों माइंड मैप तो जितनी इन्फॉर्मेशन को आप माइंड मैप की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा आप अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कम से कम वर्ड्स या कम से कम पेजेस में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है नाउ देअर कम्स द आफ्टर लेक्चर राइट इफेक्टिव नोट टेकिंग आफ्टर द लेक्चर तो आफ्टर द लेक्चर क्या होगा अब तक हमने बिफोर द लेक्चर ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ा अब आफ्टर द लेक्चर आपको क्या करना चाहिए टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर नोट्स इज इंपॉर्टेंट टू रिव्यू एंड री एंगेज एक्टिवली विद देम सेवरल टाइम जितना ज्यादा हो सके आप अपने नोट्स के साथ री एंगेज करिए उनको रिवाइज कीजिए उनको uh, जितना कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है रिव्यू योर नोट्स वाइन द लेक्चर इज फ्रेश इन योर माइंड कोशिश कीजिएगा की लेक्चर फिनिश होने के बाद या इवेंट के फिनिश होने की कम से कम दो से तीन घंटे के अंदर अंदर आप एक बार उसको रिव्यू जरूर करें क्योंकि उस समय लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट होता है आइडिया जो होता है वो आपके माइंड में फ्रेश होता है एंड इफ यू आर एबल टू जस्ट रिवाइज जूरिंग दैट टाइम यू विल बी एबल टू कनेक्ट यू नो द डॉट्स एंड यू विल एबल टू जस्ट कीप दैट कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन योर माइंड रिव्यूइंग हेल्प यू रिमेंबर वट वज सेट बिल्डअ ऑ ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प यू आइडेंटिफाई गैप्स इन योर नॉलेज जो रिविजन होता है वो आपकी जो नॉलेज में जो गैप रह जाते हैं उनको फिल फिल आउट करने का काम करता है रिमेंबर टू रिड्यूस रिसाइट एंड रिफ्लेक्ट रिड्यूस का मतलब जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है उसको कम से कम शब्दों में रिड्यूस करने की कोशिश कीजिएगा उसको बोल के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा जिससे कि की आपके कान उसको सुन पाए उस इंफॉर्मेशन को सुन पाए एंड नंबर थ्री रिफ्लेक्ट जो आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने की कोशिश कीजिएगा तभी आपकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो पाती है रिव्यूंग so, uh, कैसे करना होता है कैसे आप रिव्यू करेंगे रिव्यू करने का क्या मेथड होता है नंबर वन रीड थ्रू योर नोट्स मेक श्योर दे आर क्लियर एंड लेजिबल यानी सबसे पहले तो ये देखिए कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें अगर कोई वर्ड आपके उस समय समझ में नहीं आ रहा है तो फ्यूचर में कभी समझ में नहीं आएगा तो मेक श्योर sure कि आप उसको लेजिबली लिखें उसको इस तरीके से लिखें कि वो समझ में आ जाए क्लीन दैम आप कहीं पे भी कुछ एंटेंगलमेंट हो रहा है या कहीं पे भी कुछ स्क्रबिंग हो रही है तो मेक श्योर sure कि आप उसको क्लियर करें और वहां पे उसको डिलीट करके या फिर उसको कट करके दूसरी पॉइंट जगह पे लिखें फिल द मिसिंग वर्ड्स और इंफॉर्मेशन अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है या आप जल्दी जल्दी में लिखना भूल गए हैं तो आप वहां पर उसको फिल करें कोड योर नोट्स इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसमें उनको कोड कीजिए कोई भी कोड वर्ड आप यूज कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट के लिए डबल स्टार यूज कर सकते हैं अगर कोई जा कम इंपॉर्टेंट है उसके लिए क्रॉस यूज कर सकते हैं अगर कोई एक्सट्रीमली uh, इंपॉर्टेंट है उसके लिए फाइव स्टार यूज कर सकते हैं डिपेंड्स इन अपॉन यू यू कैन क्रिएट योर ओन कोड्स यूज डिफरेंट कलर्स अगर आप स्टार वगैरह यूज नहीं करना चाहते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट के लिए रेड कलर यूज कीजिएगा कम इंपॉर्टेंट के लिए येलो कलर यूज कीजिएगा तो दैट कैन ऑलसो बी योर कोड एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाइड डायग्राम अगर कोई डायग्राम या कोई पॉइंट आपने लिखा है जिसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्योंकि देखिए अभी आपके दिमाग में माइंड में लेक्चर फ्रेश है लेकिन थोड़े समय बाद आपकी माइंड में लेक्चर फ्रेश नहीं होगा तो उस मोमेंट पे क्या होगा कि आपको वो पॉइंट याद भी नहीं आएगा तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप थोड़े से कुछ और की यूज कर सकते हैं उसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए एंड देन लेबल एंड फाइन और उनको लेबलाइज करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मान लीजिए पांच से छह लाइन है अगर आप उनको कोड करके किसी एक कैटेगरी uh, में डाल सकते हैं तो आप वहां पर uh, उसको उसको कॉलम बनाइए कॉलम इस तरीके से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं दो पॉइंट्स हैं इन चारों पॉइंट्स को एक लेबल देना चाहता हूं लेबल मान लीजिए कि नोट टेकिंग राइट तो मैं इसको इस तरीके से लेबल दे सकता हूं और अब मुझे याद रहेगा कि नोट टेकिंग से रिलेटेड अगर मुझे पॉइंट डिस्कस करने हैं तो मुझे केवल इन सारे पॉइंट्स को देखना है ठीक है तो इस तरह की लेबलिंग और फाइलिंग आप वहां पर कर सकते हैं ठीक है रीअरेंजिंग योर नोट्स प्रॉपरली अपने नोट्स को रीअरेंजिंग कैसे करेंगे information. जो इन्फॉर्मेशन सिमिलर है नेचर में आप उनको एक जगह रखने की कोशिश कीजिएगा ट्रांसक्राइब्ड की कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स पैराफ्रेज करने की कोशिश कीजिएगा एड योर ओन क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कोई क्या पूछ सकता है तो वो क्वेश्चन वहां पर लिखने की कोशिश कीजिएगा राइट right? तो जनरली हम वहां पर क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अपने वाई वेन वॉट हू

कोशिश करें सो दैट्स ऑल माई डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द लिसनिंग एंड नोट टेकिंग आई होप दैट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज बट ऑल्सो फॉर योर लाइफ पर्पज इन ऑर्डर टू मेक द गुड नोट्स राइट सो वंस अगेन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हिट द बेल आइकन सो दैट

क्लिक करके आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज डू कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग द एंड ऑफ द वीडियो हैव अ गुड हैड एंड इन द नेक्स्ट वीडियो